हेलो क्लास, स्वागत है आपका एजुएमएन क्लास में। क्लास आज मैं आपको हिंदी भाषा में पाठ 17 अव्यय या अविकारी शब्द समझाने जा रही हूँ। इसे ध्यान पूर्वक समझिए बच्चों। सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं कि वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कई परिवर्तन नहीं, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों के भेद, अब इसके बाद है बच्चों अविकारी शब्दों के भेद। तो अविकारी जो शब्द हैं, इनके कितने भेद हुए? अविकारी शब्दों के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? सबसे पहला आपका है क्रिया विशेषण। पहला क्या है? क्रिया विशेषण। और दूसरा आपका इसमें है भेद संबंध बोधक। और तीसरा भेद इसी का है, अविकारी शब्द का तीसरा भेद है समुच्चय बोधक। और चौथा इसका भेद है बच्चों विस्मयादिबोधक। तो अविकारी शब्द के बच्चों कितने भेद हुए? 4 भेद हुए। सबसे पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादिबोधक। अब हम इनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है बच्चों? निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक समझिए। जगत तेज चलता है। दूसरा वाक्य हिमांशु अच्छा खेलता है। तीसरा वाक्य प्रीत जल्दी सोकर उठता है। चौथा है रीना स्वादिष्ट भोजन बनाती है। उपयुक्त वाक्यों में तेज शब्द चलने की, अच्छा शब्द खेलने की, जल्दी सोचकर उठने की तथा स्वादिष्ट खाना बनाने की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या है बच्चों? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद, अब क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया के होने की विधि, रीति, ढंग का बोध होता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। का, अपने मन को दुखी मत करो। दूसरा, शेर ने अचानक शिकार पर हमला कर दिया। तो उपयुक्त वाक्यों में दुखी और अचानक शब्द क्रिया की रीति और ढंग का बोध करा रहे हैं। अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा है जो कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या है? जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का बोध होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे माताजी प्रतिदिन पूजा करती हैं। दूसरा, रश्मि अपना कार्य जल्दी कर लेती है। उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन और जल्दी शब्द क्रिया के समय का बोध करा रहे हैं। अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है।
इसके बाद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया के होने के स्थान तक या दिशा का बोध होता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कोठरी में प्रकाश फैला है तो कहाँ प्रकाश फैला है? कोठी में प्रकाश फैला था, स्थान को बताया जा रहा है। उसने वहां अच्छा नाम कमाया तो वो भी स्थानसूचक है। इसके बाद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया की मात्रा अथवा परिणाम का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत अधिक खाता है, कम बोलना बुद्धिमत्ता है। उपर्युक्त वाक्यों में वह बहुत अधिक और कम दोनों में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद बच्चों क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं और विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे माता जी ने बहुत भोजन बनाया, दूसरा रेल बहुत तेज गति से चल रही है, तो बहुत विशेषण हो गया और बहुत तेज क्रिया विशेषण। इसके बाद सेकंड है जो संबंध बोधक, इसको समझिए। नीचे दिए गए रंगीन वाक्यों में शब्दों को ध्यान से समझिए। जैसे तुम्हारी पुस्तक बैग में है तो मैं जो शब्द है रंगीन है। बिल्ली मेज के नीचे बैठी है तो किसके नीचे बैठी है? मेज के नीचे। पिछले प्रश्न पर दिए गए वाक्यों में शब्द पुस्तक का, वे बैग से, पर शब्द वृक्ष का, पक्षी से, के नीचे शब्द बिल्ली का, मेज से के पास शब्द का, वृक्ष से संबंध जोड़ा जा रहा है। ऐसे शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। इसके बाद इनकी पहचान बच्चों, जिस शब्द से संबंध स्थापित हो संबंध बोधक अव्यय उसके बाद आता है। संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध बनाने वाले अव्यय शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कालवाची, बाद, अंत, अभी, पीछे, पश्चात, आदि, ये कालवाची हो गए। दिशावाची, सामने, निकट, ओर, तरफ, पास, आदि, ये आपके दिशावाचक हो गए। विरोधवाची, जैसे उल्टे, विरोध, प्रतिकूल, आदि। स्थानवाची, बाहर, अंदर, नीचे, ऊपर, आदि, ये स्थान हो गया। शब्दावादी, समान, अनुसार, तरह, जैसे, आदि। साधनवाची, के माध्यम से, के द्वारा, आदि। ये तो क्या है बच्चों, जो संबंध बोधक अव्यय है, तो कितने प्रकार के इसमें बताए गए हैं आपके? छह प्रकार के। कौन कौन से? कालवाची, दिशावाची, विरोधवाची, स्थानवाची, समतावाची और साधनवाची। इसके बाद है समुच्चय बोधक। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। काल और दिव्या सगी बहने हैं, तो इसमें वाच शब्द है रंगीन है, अर्थात इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। रश्मि विद्यालय से आ गई परंतु अंजू नहीं आई। इन वाक्यों में बा तथा परंतु दो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रही हैं, अतः ऐसे शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसी परिभाषा है बच्चों, दो शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के दो मुख्य भेद होते हैं, कौन कौन से? संयोजक और वियोजक। संयोजक, जो शब्द दो शब्दों वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं। जैसे भाई गरीब था फिर भी हिम्मत नहीं हारा। दूसरा, मोहन और सोहन दोनों साथ साथ पढ़ते हैं, तो इसमें और शब्द मोहन और शब्द जुड़ा हुआ है, अर्थात इन दोनों वाक्य को आपस में जोड़ रहा है। वियोजक, वियोजक शब्द जो दो वाक्यों के विरोध प्रदर्शित करते हो तथा कारण और परिणाम बताते हो उन्हें वियोजक कहते हैं। जैसे रोहित या मोहित में से ही कोई आएगा, तुम उसके पास गए कि नहीं बताओ। उपयुक्त
वाक्यों में या कि नहीं सब जुड़ते हुए पृथकता का ही भाव प्रकट कर रहे हैं। अतः ये सब वियोजक हैं। अब इसके बाद चौथा है बच्चों विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक शब्द ऐसे शब्द, इनकी सबसे पहले परिभाषा समझ लें। वे अव्यय शब्द जो हर्ष, भय, शोक, आश्चर्य, घृणा, लज्जा आदि भावों का ज्ञान कराते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे सवास तुम दौड़ में प्रथम आए हो, वाह क्या सुहावना मौसम है, छी तुम कैसी बातें करते हो, हे भगवान ये कितना चालाक है। उपयुक्त वाक्यों में सावास, वाह, छी तथा हे भगवान सब वक्ता के मन में आए विभिन्न भावों को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह अव्यय विस्मयादि बोधक अव्यय है। विस्मयादि बोधक अव्यय हमारे मनोभावों को प्रकट करते हैं। अतः उन्हीं मनोभावों के आधार पर विस्मय बोधक अव्यय के निम्न भेद होते हैं। कौन कौन से भेद है बच्चों? पहला हर्ष सूचक, दूसरा शोक सूचक, तीसरा आश्चर्य सूचक, चौथा घृणा सूचक, पांचवा संतोष सूचक, छठवा आश्चर्यवाद बोधक, सातवां चेतावनी सूचक। तो सबसे पहले हर्ष सूचक, इसमें हर्ष, खुशी, प्रसन्नता का भाव होता है। हर्ष सूचक जो होता है अवे, उसमें क्या होता है? इसमें हर्ष, खुशी, समानता का भाव प्रकट होता है। जैसे सावास तुम कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरा शोक सूचक, जिससे दुख, पीड़ा, शोक का भाव प्रकट होता है उसे होता है, जैसे अफसोस तुमने ऐसा कार्य किया है। नेक्स्ट आश्चर्य सूचक, जिससे किसी कार्य या वस्तु के प्रति आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, जैसे अरे यह तुम क्या कर रहे हो, अर्थात किसी चीज को लेकर एकदम से आश्चर्य प्रकट करना, तो ये आश्चर्य सूचक हो गया। इसके बाद है बच्चों घृणा सूचक। घृणा सूचक में है, इनसे घृणा का भाव उत्पन्न होता है, जैसे छी छी कितनी बदबू आ रही है। इसके बाद संतोष सूचक, इसमें संतोष का भाव उत्पन्न होता है, जैसे वाह तुमने अच्छा कार्य किया है। आशीर्वाद बोधक, वाक्य के प्रारंभ में ही शुभकामना तथा आशीर्वाद के लिए दीर्घायु हो, जीते रहो, सुखी रहो आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे दीर्घायु हो, भगवान लंबी उम्र दे। चेतावनी सूचक, जिन शब्दों से चेतावनी की सूचना मिलती हो, जैसे खबरदार, वही रुको। तो बच्चों इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? मुख्य बिंदुओं के माध्यम से इसको समझ लें। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में ने कारक वचन आदि के कारक का कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों को भी अव्यय शब्द भी कहते हैं। इसके बाद है अविकारी शब्द के चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से? जैसा कि भी आपने पढ़ा, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दो संज्ञा और संज्ञा के बीच संबंध बताने वाले अव्यय शब्द को संबंध बोधक कहते हैं। नेक्स्ट दो शब्दों वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। नेक्स्ट हर्ष, भय, शोक, आश्चर्य, घृणा, लज्जा आदि भावों का ज्ञान कराने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से यह पाठ आपका पूरा होता है। आशा करती हूँ आपको इस चैप्टर के जो परिभाषाएं हैं या जो इसकी जो भेद है, इनके अंतर्गत जो इसकी परिभाषा है, उनको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना काफी है बच्चों। आप सभी का दिन मंगलमय हो।